व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। अगर आप लोग लाइफ में सक्सेस पा पाते हैं, अगर आप लोग सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोग सक्सेस अचीव कर लेंगे, वो छोटे छोटे से स्टेप, छोटे छोटे से एफर्ट जो आप लोगों ने लगाए हैं, वही आप लोगों को सक्सेस तक पहुंचाते हैं। आज आप लोग मॉर्निंग से जो काम करना स्टार्ट करेंगे और जो इवनिंग तक करेंगे, जो डे इन और डे आउट आप लोगों का होगा, वही आप लोगों को सक्सेस की ओर पहुंचाता है। सक्सेस पाने वाला कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं करता है कि वो अलादीन का चिराग लेके आया और घिस के वो सक्सेसफुल हो गया। नहीं, वो एक रिग्रेसिव प्रोसेस से होकर जाता है। उसका डे बाय डे का शेड्यूल रहता है, उसको अचीव करता है, फिर नेक्स्ट डे का बनाता है, फिर अचीव करता है, फिर नेक्स्ट डे का बनाता है, फिर अचीव करता है। यही प्रोसेस चलता रहता है और इसी प्रोसीजर से होते हुए एक दिन वो अपने गोल तक पहुंच जाता है। और नॉर्मल इंसान क्या नहीं कर पाता है, वो इसी प्रोसीजर से डरता है। वो सोचता है कि यार बस एक दिन पढ़ लूं, अगले दिन रहने दूं, अगले दिन पढ़ लूं, उसे अगले दिन रहने दूं। एक दिन में ही सोचता है कि 8-10 घंटे पढ़ लूं और अगले दिन किताब नहीं उठाना। नॉर्मल इंसान ये प्रोसीजर फॉलो करके चलता है, पर लेकिन जिसको अचीव करनी होती है सक्सेस, वो अपना पैटर्न बना के चलता है कि 6-8 घंटे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना, चाहे धरती इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो अगर इस तरीके से आप भी अपना पैटर्न बना के रखेंगे, तो फिर आप भी वही अचीव कर पाएंगे जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। 22 फरवरी है, नैनो मैगजीन के तहत हम लोग देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो PIB, इसके अलावा योजना, प्रीलिम्स के फैक्ट्स और क्वेश्चंस आप लोगों यहां पर नजर आएंगे, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ रिवीजन का पोर्शन भी यहां पर नजर आएगा। तो इस तरीके से यहां पर आज हमारा नैनो मैगजीन का प्रोग्राम चलने वाला है। शाम को आप लोगों को मिलती है पॉलिटी 5 बजे, तो शाम को डेली आप लोग पॉलिटी देख सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट होने वाली है, अभी लास्ट फेज में हम आ चुके हैं। लगभग 130-140 से ऊपर लेक्चर में यहां पर ले चुका हूं। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 22 फरवरी। तो आज के दिन यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। वर्ल्ड थिंकिंग डे यहां पर चेंज करने की बात की जा रही है, खासकर फोकस किया जा रहा है गर्ल्स के ऊपर। बात क्या की जा रही है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंपैक्ट फॉर द गर्ल्स गाइड्स एंड द गर्ल्स स्काउट्स इज ऑल अबाउट द ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इस बार की थीम है, यहां पर बात की जा रही है गर्ल गाइड की। तो गर्ल्स को किस तरीके से गाइड किया जाएगा और किस तरीके से यहां पर गर्ल्स स्काउट की बात की जा रही है, ये आप लोग बोल सकते हैं। एक अमेरिका में यहां पर एक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो प्रमोट करती थी कई सारी एक्टिविटी सिटीजन के लिए, खासकर यहां पर फोकस दिया रहा है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए कई तरीके की एक्टिविटी यहां पर सोसाइटी में लाई जाएगी, जिससे गर्ल्स में एक चेंज देखने को मिले, पॉजिटिव एटीट्यूड यहां पर देखने को मिले सोसाइटी में भी गर्ल्स के लिए। तो ये सारी बात यहां पर की जा रही है अब की बार, मतलब अब की बार का जो थिंकिंग डे है वो डेडिकेटेड है यहां पर गर्ल्स के लिए, किस तरीके से हम लोग गर्ल्स के लिए अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी गर्ल्स से रिलेटेड या फिर और भी बॉयज से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहां पर कई तरीके प्रोग्राम यहां पर करेगी, जिससे कि वर्ल्ड के लेवल पर यहां पर एक थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लाया जा सके। इसके अलावा 22 फरवरी को इसको सेलिब्रेट करने का एक रीजन है, ये बर्थडे है यहां पर लॉर्ड रॉबर्ट बिडन और यहां पर इनकी वाइफ है यहां पर लेडी ओवेल बिडन पाउल। तो इनके दोनों के यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बर्थडे पर यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि वर्ल्ड चीफ गाइड थे। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। अब देखते हैं क्यूज न्यूज ऑल इंडिया रेडियो, और यहां पर आप लोगों को PIB की न्यूज देखने को मिलेगी। फर्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों के लिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बात की जा रही है ट्यूबरक्लोसिस की, जिसको हम TB भी बोलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरिया है या वायरस है, तो बैक्टीरियल डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है किसको, लंग्स को, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर लंग्स होते हैं, दोनों साइड में सांस ली जाती है तो उन पे ये इंपैक्ट डालती है। ठीक है, तो लंग्स को अफेक्ट करती है। इसके अलावा आप लोगों को अगर इंडिया में हम लोग बात करें, हर साल 4.2 लाख यहां पर लोग जो है हमारी कंट्री में मर जाते हैं TB की वजह से। इतनी खतरनाक ये TB हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, और TB को यहां पर एक तरीके से एक नेशनल क्राइसिस की तरीके से देखा जाता है, जितने लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में TB के मरीज पाए जाते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो हेल्थ मिनिस्ट्री बोलती है कि डिसीज को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है 2025 तक, पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ लग नहीं रहा है कि नजर आएगा। और अगर देखें यहां पर 5th ग्लोबल फोरम ट्यूबरक्लोसिस की, अभी यहां पर हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिलेटेड टू किस तरीके से यहां पर मेडिसिन वगैरह क्या क्या यहां पर स्टेप लेने चाहिए, यहां पर हमारी कंट्री में 5th ग्लोबल फोरम हो रही है। ओनली अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा 63% को हमारी कंट्री में करेंटली जो TB से इन्फेक्टेड है उनको अंडर ट्रीटमेंट रखा जाता है, मतलब 37% को तो यहां पर दवाइयां ही नहीं मिलती, 37% तो आउट ऑफ द पिक्चर रहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए 10 मिलियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे केसेस ग्लोबली पाए जाते हैं, और उनमें से लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर कितने 2.8 मिलियन हमारी कंट्री में ओनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर अगर आप लोग देखेंगे इसको, लगभग 28 लाख तो हमारी ही हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग बात करें 100 लाख लोग अगर पाए जाते हैं तो। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं।
अगर दिस रेट से चल रहे, इसी रेट से चलते रहे तो काफी लंबा टाइम हमको लग जाएगा लगभग टीवी को एलिमिनेट करने में, और हम लोग मिस कर जाएंगे जिसको हमको कंप्लीट करने की बात की गई थी। ठीक है, तो भाई 2030 तक बातें बोली जा रही है और कई सारी बातें यहां पर निकलकर इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिप्टी डायरेक्टर बन गई है, इंडिया की है ये। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, कौन है नहीं जब पता है तो जाके पढ़िएगा थोड़ा उनके बारे में और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उनकी बेटी है ये। ठीक है, तो इनको यहां पर डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया, अभी ये भी क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन सकता है। तो इसलिए यहां पर बात की गई है इनके द्वारा भी कि हमको ग्लोबल, इंडिया इंडिया की बात नहीं करी है, ग्लोबल के लेवल पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है टीवी में, जिससे कि हम लोग इस बीमारी को दूर भगा सके। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए, और ये कई सारी बातें आप लोग आंसर में भी यूज कर सकते हो और ऐसे वगैरह में भी। नेक्स्ट यहाँ पर कमला फेस्टिवल ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। जल्लीकट्टू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तमिलनाडु में होता है वो, तमिलनाडु वाले एरिया में होता है खासकर। यहाँ पर कमला इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कहां पर कमला या बोले से, जैसे बोले कम्बाला, ठीक है, कुछ भी इसे बोल सकते हैं आप लोग। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटक में, मैच करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है अलाउ करने के लिए कम्बाला को इन कर्नाटक में, याद रखिएगा इसके बारे में। थोड़ा पिक्चर में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से खेत का जो पेड़ी का जो फील्ड होता है, पेड़ी आप लोगों को पता है, जिसमें आप लोग धान लगा, मतलब जिसमें पेड़ी लगाते हैं, फिर आगे चल के धान आप लोगों को मिलता है, चावल मिलते हैं, तो उसके खेत में यहाँ पर इस तरीके से भैंसों को भगाया जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इस तरीके की एक्टिविटीज फेस्टिवल के दौरान में की जाती है। एक साइड में अगर इसकी माने तो इस फेस्टिवल को एग्जेम्प्ट करने की बात की जा रही है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे थे हम लोग जल्लीकट्टू का, उस टाइम पर भी इसका जिक्र आ रहा था, अगर कोई भी यहाँ पर गलत एक्टिविटी होती है जानवरों के साथ में तो क्रुएल्टी से बचाने के लिए यहाँ पर ये एक पिक्चर में आता है और उसको रोकता है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर बोला जाता है कि जानवरों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और खासकर कि इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बार डेथ हो जाती है जानवरों की भी, और कई बार इंसानों की भी डेथ हो जाती है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रुएल्टी इनके लिए बढ़ती जाती है उनको भगाने के लिए। जो यहाँ पर एनिमल के राइट एक्टिविस्ट हैं वो बोलते हैं कि रेस में भगाने के लिए उनको डराया जाता है, पीटा जाता है, तब जाकर वो भागते हैं यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं वो बोलते हैं कि एक बफेलो का पेड़ हम लोग भगाते हैं यहाँ पर, पेड्डी फील्ड को यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, रेस की जाती है पेड्डी के फील्ड में पानी भरने के बाद में, और इसको गोड को आप लोग बोला जाता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज से एनिमल को भगाया जाता है। और एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर से इसको कनेक्ट कर दिया गया फेस्टिवल को, ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल बना लिया गया है। जिस तरीके से तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि उसको फंडामेंटल राइट में बात, कल्चरल के जो फंडामेंटल राइट हमारे उसमें रखने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में जहां पे भी यहां पर बैन लगने की कोशिश की जा रही है किसी फेस्टिवल में, उसको इसी तरीके से कल्चर के अंदर रखने की बात की जा सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक कमेटी यहां पर सेटअप करनी चाहिए और प्रॉपर वे में यहां पर देखना चाहिए किस तरीके से यहां पर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, तब जाकर एक गाइडलाइन यहां पर लेकर आनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है, कल्चर को भी ध्यान में रखना है, और इसी तरीके से साइड बाय साइड जो यहाँ पर एनिमल्स के राइट्स है उनको भी ध्यान में रखना है, उनके लिए भी यहाँ पर कोई क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए। तो कमला आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर, कमला या कम्बाला कर्नाटक में, जिस तरीके से जल्लीकट्टू आप लोग याद रख सकते हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है वेनेजुएला में क्राइसिस के बारे में। पहले आप लोग वेनेजुएला को मैप में निहार लीजिए, उसके बाद में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर। वह देख सकते हैं वेनेजुएला हो गया यहाँ पर मैप में, ये हो गया यहाँ पर कोलंबिया, इधर हो गया ब्राजील, इधर हो गया, इधर हो गया गयाना, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ऊपर देख सकते हैं ये आइलैंड भी कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पर, ये है त्रिनिदाद एंड द टोबैगो, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ऊपर हो गया कैरेबियन सी, तो कैपिटल हो गए यहाँ पर कराकस, और आप लोगों को इसकी करेंसी जरूर याद रखिएगा। करेंसी क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी कंट्री में 8th of November को आप लोगों को 2016 में डिमोनेटाइजेशन होता हुआ नजर आया, इसी तरीके से यहाँ पर भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो वेनेजुएलन बोलीवियन यहाँ पर इसको बोला जाता है, ये भी ओनली वेनेजुएलन भी अगर हटा देंगे तो बोलीवियन भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर बोलीवियन यहाँ पर करेंसी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइसिस यहाँ पर करेंसी में खासकर है। हम लोग अगर बात करते हैं इन्फ्लेशन की हमारी कंट्री में, तो मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं हमारी कंट्री का जो इन्फ्लेशन रहता है आप लोगों को देखने को मिलता है 4 ± 2 के बारे में बात की जाती है कि हमारा इन्फ्लेशन 6 के लगभग रहना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को देखने को मिलता है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 से कम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 से और 6 के बीच में हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन होना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये महंगाई, ये इन्फ्लेशन जाता हुआ नजर आ रहा है, कितना 13,000% आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इतनी ज्यादा महंगाई है, वहां पर कोई एक कप चाय भी नहीं खरीद पा रहा है अपने पैसों से, वहां पर पैसों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो गई है। पॉपुलेशन को अगर देखेंगे वहां पर मनी और फूड के बिना वहां पर लगभग 93% वहां पर पॉपुलेशन झेल रही है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां पर महिलाओं की बहुत ज्यादा डेथ हो रही है बच्चे पैदा करने के दौरान में। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चों है भी 1 से लेकर 5 जो स्टार्टिंग की जो एज होती है, यह स्टार्टिंग की 1 ईयर आप लोग बोल सकते हैं खासकर काउंट की जाती है, या फिर स्टार्टिंग की 5 ईयर भी काउंट की जाती है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 30% यहां पर हो चुका है। मलेरिया के केसेस 76% हो चुके हैं। तो इतना ज्यादा क्राइसिस यहां पर
आ चुका है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आसपास वाली कंट्री हो गई, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइल और कोलंबिया, इक्वाडोर, जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में, वहां से निकल निकल के वेनेजुएला से पॉपुलेशन जो है दूसरी कंट्री में जा जाकर बस रही है। तो आसपास वाले एरिया में भी क्राइसिस आज के डेट में आ चुका है। तो बहुत बुरी कंडीशन, बहुत खस्ता हालत यहां पर इस कंट्री की हो गई है। देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके सिचुएशन सुधर सकती है। आप लोगों के माइंड में यह आ रहा होगा ऐसी हालत क्यों हो गई। सबसे पहली बात तो हो गई यहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी पर, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी भी जब जब हालत खराब होती है साथ साथ में क्या होता है यहां पर इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे खराब हुई, 2014 से लेकर अब तक आप लोगों को देखने को मिला जो ऑयल के प्राइस है वो बहुत डाउन रहे ऑल ओवर वर्ल्ड। और वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैक्सिमम ऑयल के ऊपर डिपेंड करती थी, यहां पर सारी चीजें ऑयल के बेस पर चल रही थी, तो इसीलिए इसकी जो इकोनॉमी की हालत है वो बहुत ज्यादा खस्ता होती चली गई और आज की डेट में इस कगार पे अगर खड़े हो गए हैं कि वो खुद का भी पेट नहीं पाल सकते। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है और कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, साउथ अमेरिका में कंट्री पड़ती है। ओके, थोड़ा सा अगर मैप में आप लोगों को दिखाना चाहूं, यहां पर देख सकते हैं ये हो गया वेनेजुएला, ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, यहां के कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां से यहां पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, नीचे ब्राजील हो गया, पेरुवी हो गया, यहां पर उरुग्वे हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, चाइल हो गया, बोलोविया हो गया, ये पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, यहां पर थोड़ी सी कंट्री है, एक बार मैप में निहारेंगे तो आप लोगों को याद रही जाएगी नॉर्मली। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर महानदी के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लाइफ लाइन बोला जाता है इसको दो स्टेट्स की, स्टेट कौन सा है, एक तो हो गया छत्तीसगढ़ और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा। तो दो स्टेट की यहां पर इसको क्या माना जाता है, दो स्टेट की इसको लाइफ लाइन माना जाता है, मतलब इस नदी के बिना दो स्टेट का गुजारा नहीं चलने वाला है। नॉर्मली आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, जो हमारी नॉर्दर्न जो रिवर होती है, आप लोगों को गंगा देखने को मिलेगी, यमुना देखने को मिली है, ये इंडस, यहां पर आप लोगों इस साइड में आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को सिंधु नदी या फिर इंडस रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, चेनाब रिवर, झेलम रिवर, जो आप लोगों को सारी इस वाले एरिया में जो देखने को मिलती है, ये सारी रिवर जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी या सारी एवरग्रीन रिवर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी ग्लेशियर से होकर गुजरती है, ग्लेशियर से निकल के आती है सारी रिवर, इनका सोर्स ग्लेशियर में देखने को मिलता है। पर लेकिन सदर्न जो इंडिया है हमारा, जो साउथ इंडिया है, अगर उसमें आप लोग रिवर की बात करेंगे तो आप लोगों को नॉर्मली रिवर देखने को मिलेगी जो कि सीजनल रिवर होती है, मतलब जब हमारी कंट्री में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है मॉनसून आता है हमारी कंट्री में, तब तब ये भर जाती हैं, और नॉर्मल जब मॉनसून नहीं रहता है तब तब ये कहानी इनकी खत्म होती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से यहां पर इन रिवर्स का आप लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा। अभी क्या हुआ है, यहां पर दोनों की लाइफ लाइन है छत्तीसगढ़ और आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा की, तो इनके बीच में लड़ाई रहती है कौन ज्यादा यहां पर आप लोग पानी यूज करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा इसको सेटअप करने के लिए यहां पर टर्मिनल सेटअप करने की बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि यहां पर इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है रिवर, याद रखिएगा दो स्टेट में बहती है ओनली, एक तो हो गया उड़ीसा और दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। जो आप लोगों को सोर्स इसका नजर आएगा, तो आप लोगों को सोर्स कहां पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में यहां पर सिवा धनवंतरी, ये सोर्स है जहां से निकल कर आती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकल कर आती है, इस तरफ को बहती है और बहती हुई फिर आकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में यहां पर गिर जाती है रिवर। तो सोर्स छत्तीसगढ़ में से है और बहती हुई उड़ीसा में तक आती है ये। ओके, आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर देखेंगे लेंथ की अगर बात की जाए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 851 टोटल लेंथ है यहां पर उड़ीसा में, आप लोगों का 494 लेंथ देखने को मिलेगी, 494 लेंथ यहां पर उड़ीसा में देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 357। यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जा सकता है, ओरिजिनेट हो रही है कहां से, ओरिजिनेट हो रही है यहां पर, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा सिवा माउंटेन, धनवंतरी डिस्ट्रिक्ट, कहां से, छत्तीसगढ़ से। पर लेकिन ज्यादा किस एरिया में, ज्यादा है उड़ीसा में। तो कई बार इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां पर, तो इस तरीके की बातें भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है, ताकि दोनों के बीच में डिसाइड किया जा सके किसको कितना पानी मिलना है। और महानदी अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सेकंड रिवर है आफ्टर गोदावरी, जो पानी के पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज्यादा पानी आप लोगों को इस रिवर में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं यहां पर, देखिए लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा में ज्यादा है, पर लेकिन एरिया जो बेसिन एरिया होता है ना, फैली रहती है बहुत दूर तक, कि यहाँ चौड़ाई में अगर ज्यादा फैली हुई है तो चौड़ाई में जो एरिया देखने को मिलेगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में एरिया ज्यादा कवर करती है, और जो एरिया कम कवर करती है उड़ीसा में, पर उड़ीसा में लेंथ ज्यादा कवर करती है। तो कई बार ये टेक्निकल, अगर आप लोगों के माइंड में थोड़ी क्लैरिटी रहेगी टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग यहां पर आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। तो कुछ ऐसी बातें भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूं किस तरीके से हमारी कंट्री में 14 स्टेट से हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, हम लोग पहुंचे हैं आज के में 29 स्टेट तक। वीडियो का लिंक भी आप लोगों को नीचे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं डायरेक्ट कि किस तरीके से हमारी कंट्री में 14 स्टेट हुआ करते थे स्टार्टिंग में, और आज 29 स्टेट है। तो अगर बात की जाए यहां पर, उनमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश जो यहां पर बनाया गया था, जो स्टेट का इसको दर्जा मिला था, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 20 फरवरी को यहां पर इसका दर्जा दिया गया था।
और यहाँ पर अभी इसको इसके इसके उपलक्ष में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो हाईएस्ट अवार्ड यहाँ पर स्टेट का होता है इसको बोलते हैं अरुणाचल रत्न। जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं भारत रत्न, इसको अरुणाचल रत्न यहाँ पर बोला जाता है। अब की बार जो दिया गया ये लेट हवलदार यहाँ पर, ये लेट का मतलब होता है डेथ हो चुकी है मतलब उनकी, तो यहाँ पर ये लेट हवलदार हंगपन दादा इनको दिया गया है, ये मतलब इनकी जगह इनकी वाइफ ने इनको इनके अवार्ड को यहाँ पर लिया है। 32nd आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कैपिटल क्या है यहाँ पर इसकी, ईटानगर। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके साथ में अरुणाचल प्रदेश के साथ में यहाँ पर मिजोरम को भी यहाँ पर इसका दर्जा दिया गया था। पहले अरुणाचल प्रदेश को आप लोगों ने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर ये बात देखने को मिलती होगी, अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता था उस टाइम पर। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला जो कि बाद में चल के आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिली, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, फिर बाद में चल के इसको स्टेटहुड का दर्जा यहाँ पर दिया गया। तो इस तरीके से पूरे प्रोसीजर से होते हुए निकलकर अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बना है। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में मिजोरम को भी यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, पर बाद में चल के 20 फरवरी को 1987 में आप लोगों को देखने को मिलेगा मिजोरम को भी यहाँ पर एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था। तो दोनों स्टेट के बारे में आप लोग याद रखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी और मिजोरम के बारे में भी। थोड़ा मैप में आप लोग देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अगर बात करूं तो ये हो गया यहाँ पर मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश को टच कौन कौन कर रहा है यहाँ पर आप लोग देखते हैं, आसाम टच कर रहा है और नागालैंड टच कर रहा है, ओनली दो स्टेट टच कर रहे हैं। और यहाँ पर मिजोरम की बात की जाए तो त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और आसाम हो गया। ओके, तो ये थोड़ी बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ कैबिनेट के डिसीजन है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ तो इनमें से और कुछ आप लोगों का भी नए देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिला था, हम लोगों ने बोला था कि जो कोल वाला सेक्टर है पहले गवर्नमेंट के अंडर में रहा करता था, तो कोल इंडिया के अंडर में कंप्लीटली रहा करता था, अब इसको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है। तो उसके बारे में क्या क्या रेगुलेशन हो सकती है, किस तरीके से यहाँ पर ऑक्शन किया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पर दे दी गई है। चार यहाँ पर ये लाइन के नाम याद नहीं रखने, अगर आपके एरिया में पड़ता है तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड करने की, जो कि रेलवे की लाइन होती है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को मिलेगी ये वाली न्यू लाइन भी बात की जा रही है यहाँ पर, यह है जयपुर मलकानगिरी एरिया में यहाँ पर एक न्यू लाइन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर ज्यादा इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर बात की गई थी बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जो बिल आ रहा है 2018 पार्लियामेंट में, और नेक्स्ट था चिट फंड के बारे में, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। महानदी ट्रिब्यूनल के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा बात की जा रही है आप लोगों के न्यू पॉइंट है यहाँ पर, ये बात की जा रही है फिल्म को प्रोडक्शन के बारे में, इंडिया और इजराइल, मतलब इंडिया और इजराइल ने अप्रूव कर दिया एग्रीमेंट कि दोनों मिलकर यहाँ पर फिल्म जो प्रोडक्शन है उसमें मिलकर काम करेंगे, कोई मूवी बनाई जाएगी तो दोनों मिलकर अब यहाँ पर बनाते हुए नजर आ सकते हैं। और नेक्स्ट जो बात किया जा रहा है एग्रीमेंट यहाँ पर मोरक्को के साथ में, किसके फील्ड में, रेलवे के सेक्टर के फील्ड में, कि किस तरीके से उसको और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा गुरुग्राम में हरियाणा में, उसके बाद में यहाँ पर कैबिनेट के कई सारे आप लोगों को डिसीजन देखने को मिलेंगे जो अप्रूव किए गए यहाँ पर रिलेटेड टू इन सब चीजों के। तो ये कैबिनेट के कुछ डिसीजन है, अब किस तरीके से इनको आगे आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट किया जाता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट बात यहाँ पर की जा रही है आप लोगों को देखने को मिलेगा कोल के ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को नई जो पैटर्न अब नजर आएगा उसके तहत देखने को मिलेगा ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहेगी, जो डूइंग बिजनेस पर फोकस किया जाएगा, एफिशिएंसी को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, मोनोपोली जो हुआ करती थी पहले गवर्नमेंट की वो घटती हुई नजर आएगी। इसके अलावा क्रिएट की जा सकती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एनर्जी सिक्योरिटी को एनहेंस किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, अफोर्डेबल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आप लोग कहीं ना कहीं इंसेंटिव भी नजर आएगा स्टेट को, जिस स्टेट में से कोल निकाला जाएगा उस स्टेट में आप लोगों को सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोला जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR बोला जाता है। अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस किसी एरिया में कोई काम कर रहा है, अपना कोई बिजनेस कर रहा है और उस एरिया से वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो उस एरिया पे उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, तो किस तरीके से वहां पर वो वापस पे करेगा, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, बात की जा रही है नई लाइन की, आप लोगों को देखने को मिलेगा जयपुर मलकानगिरी न्यू लाइन, किस एरिया में है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा वाले एरिया में, खासकर मलकानगिरी एरिया में। मलकानगिरी ये वही एरिया है जहां पर आप लोगों को माओइस्ट की कई सारी हरकतें नजर आती है, तो अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी तो वहां पर डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, और अगर वहां पर डेवलपमेंट होता है तो जो लेफ्ट एक्सट्रीम विंग्स है वो आप लोगों को वहां पर कम होती नजर आएगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी वहां पर, स्कूल वगैरह हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाएंगे, तो कई सारे एरिया में आप लोगों को डेवलपमेंट वहां पर होता हुआ नजर आएगा। और उसके आसपास वाला जो एरिया है, खासकर बात की जाए उड़ीसा के, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी उड़ीसा के आसपास वाला एरिया है, मतलब उड़ीसा के आसपास कौन सा एरिया पड़ता है, देख सकते हैं ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर हो गया झारखंड, नीचे हो गया आंध्र प्रदेश, तो ये वाले एरिया को कई बार आप लोगों ने सुना होगा रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है, माओइस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलता हुआ नजर आएगा जब इस एरिया में डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा, तो उस तरीके से भी यहाँ पर आने वाले टाइम में इसका फायदेमंद हो सकता है, तो ये वाली लाइन आप लोग याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंडिया और इसराइल के एग्रीमेंट की बात की जा रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। जब से यहाँ पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू देखने को मिलेगा इंडिया में आए थे, तो उस तरीके से ये बात भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों के यहाँ पर जो इंडिया और इसराइल के दोनों के आप लोग यहाँ पर एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ में यहाँ पर प्रोड्यूसर या फिर एक्टर्स एक्ट्रेस यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर एक्सेस मिल सकती है इनको इंटरनेशनल फंड के लिए, एक दूसरे के साथ में कोलेबरेट करके यहाँ पर काम करेंगे आने वाले टाइम में। कॉमन पूल क्रिएटिव आर्टिस्ट और जो टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल मार्केट आप लोग सब देखने को मिलेगा एक साथ में मिलकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। म्यूचुअल आर्टिस्ट या म्यूचुअल कल्चर इस तरीके से एक दूसरे में यहाँ पर एक्सचेंज भी होती नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसराइल और इंडिया के साथ में ये एग्रीमेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कैबिनेट ने यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया है। मोरक्को के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडिया और मोरक्को के साथ में यहाँ पर कोऑपरेशन करने की बात की जा रही है रेलवे सेक्टर में, किस तरीके से रेलवे सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर, तो कोऑपरेट करने की बात की जा रही है। एग्रीमेंट तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा साइन किया गया था ये 14 दिसंबर 2017 पर, लेकिन अब यहाँ पर इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके अलावा एक दूसरे से एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पर रहेगा वो एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट एक दूसरे को प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये कई सारी एरिया में एक दूसरे को हेल्प करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखिएगा, कंट्री को थोड़ा सा याद रखेंगे तो चीजें याद रह जाएंगी। मैप में भी आप लोग मोरक्को को निहार सकते हैं, ये आप लोग देखिए यहाँ पर हो गया मोरक्को, मतलब नॉर्दर्न आप लोगों को अफ्रीका में देखने को मिलेगा, अगर नॉर्दर्न ना बोला जाए तो इसको आप लोग बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा मोरक्को, ओके, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को आज रिवीजन करना है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है लेक्चर 72 जो हमारी पॉलिटी चल रही है शाम को, उसमें रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है सब कुछ यहाँ पर टोटल डिटेल में डिस्कस किया गया आर्टिकल, ये यहाँ पर लेक्चर नंबर 72 है, लिंक सारे आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सारे लिंक आप लोग मिल जाएंगे, जाकर आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो जिनका आप लोगों को आंसर देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसके बाद में फिर मैं कल आप लोगों को इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िएगा, 3 क्वेश्चन है, बाकी के जो मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आप लोग आंसर देख लीजिए। पहले सब फर्स्ट बात की गई थी यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के बारे में, ब्रह्मपुत्रा रिवर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये निकल के आती है उधर से तिब्बत से होती है इधर इंडिया में आकर घुसती है, इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर डिटेल में आप लोग थोड़ा मैप में इसको निहारेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा। एक मिनट थोड़ा मैप ही दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ये वाली रिवर, ये यहाँ से होते हुए आप लोग यहाँ से इधर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से और आसाम से होते हुए यहाँ पर आकर गिर जाती है, तो ये सुंदरवन डेल्टा भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा और जब यहाँ पर जाकर मिलती है दोनों ब्रह्मपुत्रा और गंगा, तो उस टाइम पर आप लोग जाकर देख रहे हैं उस टाइम पर इसको बोला जाता है पद्मा, ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और फिर ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आता है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो इस रिवर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या बातें पूछी जा रही है इसके बारे में, कमेटी का नाम पूछा जा रहा है कि कमेटी यहाँ पर सेटअप की गई है, किस तरीके से फ्लड कंट्रोल वहां पर कंट्रोल किया जाता है आसाम वाले एरिया में, तो राजीव कुमार के अंडर में एक कमेटी सेटअप की गई है, तो कमेटी के जो हेड है इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलपिंग द फार्मर इनकम काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम इस तरीके कॉन्फ्रेंस हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से फार्मर की इनकम डबल करनी है इसके ऊपर मैंने पूरा एक टॉपिक भी डिस्कस किया था इसी के अंदर। तो ये कहां पर हुई है, ये न्यू दिल्ली में हुई है, सब देखने को मिले यहाँ पर, साइंटिस्ट देखने को मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट देखने को मिले, पॉलिटिशियन देखने को मिले, ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिले, सबसे पूछा गया किस तरीके से हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं कि हम किसानों की इनकम को डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में, एक प्रोग्राम चलाया गया था, तो ये किसके द्वारा रन किया जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड जब भी कोई बात आती है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यहाँ पर पिक्चर में आती है। थोड़ा सा इस मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताता हूं, आज इस मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। पहले इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता था, कब तक, 25 सितंबर 1985 तक, फिर उसके बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये फोकस देकर चलेगी किस तरीके से ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, और ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनाया जाता है, जब उसको एजुकेशन और हेल्थ की सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कराई जाती है तो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बना दिया जाता है, और फिर उससे इंप्लॉयमेंट उसको दिया जाता है और इकोनॉमी में फायदा पहुंचाता है और हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज के में अगर इस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर आप लोग देखेंगे दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जहां पर मिनिस्टर है वो है प्रकाश जावड़ेकर जी, पहले स्मृति ईरानी जी इसकी मिनिस्टर हुआ करती थी, पर आज की डेट में ये प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है। तो कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग उसको बता पाएं। तो देख लेते हैं एक बार हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, पहले हम लोगों ने देखा वर्ल्ड थिंकिंग डे के बारे में, इसके बारे में हमने थीम भी जानी, इसको टोटल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया।
इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक देखने को मिला वो हम लोगों ने यहाँ पर जाना ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, कितने केसेस हमारी कंट्री में होती है, कब तक इसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, वर्ल्ड में कितने होते हैं, हमारी कंट्री में कितने, सौम्या स्वामीनाथन के बारे में जाना, तो कोई भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल इसको डिटेल में थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहाँ पर वेनेजुएला के बारे में, वेनेजुएला के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वेनेजुएला को, हम लोगों ने मैप में भी देखा, सिर्फ करेंसी और कैपिटल वगैरह देखी, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना महानदी के बारे में, ट्रिब्यूनल सेटअप करने की बात की जा रही है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, क्या क्या ओरिजिन पॉइंट है, ये सारी डिटेल में डिस्कस की, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से बन सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान देकर चलिएगा, अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से दे पाए। इसके अलावा हम लोगों ने नेक्स्ट जाना यहाँ पर कंबला फेस्टिवल के बारे में, आप लोग देख सकते हैं ये कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर आप लोगों को दिखाई जिसमें यहाँ पर आप लोगों को रेस नजर आती है, यहाँ पर भैंसों को दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट हमने जहां लोगों ने जाना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के बारे में, उनको स्टेट फूड का दर्जा देने की बात की जा रही है, कैबिनेट ने बहुत सारे यहाँ पर डिसीजन लिए जिसको अप्रूव किया गया, आने वाले टाइम में उनका इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने जानी, फिल्म प्रोडक्शन के बारे में जाना, इंडिया और इजराइल के बारे में, डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में। इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पर महानदी डिस्प्यूट के बारे में बात की जा रही है थोड़ी सी, मोरक्को के साथ में रेलवे का एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो ये सारी बातें भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, और फिर यही चीजें हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में भी जानी। इसके अलावा आप लोगों ने सारे एग्रीमेंट के साथ में हम लोगों ने फिर लास्ट में क्वेश्चन देखे यहाँ पर कि कौन से क्वेश्चन है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन को शांति से पढ़िएगा, उनका आंसर दीजिएगा, और जो लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आप लोगों के सामने आंसर है, कितने आप लोग यहाँ पर आंसर मिल पाए, कितने आप लोगों के मार्क्स आए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन पूछते रहिए, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, काफी क्वेश्चन तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं जब मैं उनको देखता हूं, तो इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चीजों को फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और पॉलिथीन वगैरह को कम से कम यूज कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।